बड़ी खबर हम आपको बता दें कि झरिया के तीसरा थाना मोड़ के पास रविवार की रात को हुई गोलीकांड में घायल अविनाश सिंह उर्फ सोनू को परिजनों द्वारा दुर्गापुर स्थित हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मामले की जानकारी मिलते ही सोमवार अहले सुबह भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्रीमती रागिनी सिंह दुर्गापुर स्थित हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल पहुंची और डॉक्टरों से घायल अविनाश का हाल चाल जाना, जिसके बाद भाजपा नेत्री रागिनी सिंह अपने समर्थकों के साथ अविनाश सिंह के तीसरा स्थित उनके आवास पहुंची। रागिनी सिंह ने अविनाश के परिजनों से मिल उनका ढांढस बांधा। अविनाश की मां मीना देवी व उनकी पत्नी रितु सिंह के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रागिनी सिंह ने पुलिस प्रशासन पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि तीसरा थाना से मात्र 200 मीटर की दूरी पर मन बढ़ो द्वारा शरेआम गोलियां चलाई जाती है और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठे रहता है। अपराधी बेकौफ है और पुलिस प्रशासन सिर्फ लीपापोती करने में जुटा है। झरिया में जंगल राज कायम हो चुका है। अगर अविनाश पर हुए जानलेवा हमले के आरोपी को पुलिस जल्द नहीं पकड़ती तो भाजपा जोरदार आंदोलन करेगा। वहीं अविनाश की मां मीना देवी ने कहा कि हमारा संबंध दोनों ही घरानों से अच्छे थे। एकलव्य सिंह की माता भी हमारी आवाज अक्सर आती थी, हम उन्हें आदर सम्मान करते थे, लेकिन मेरा बेटा का झुकाव सिंह मेंसन तरफ था, जो एकलव्य सिंह को यह बात पसंद नहीं था। रघुकुल चाहता था कि अविनाश सिंह मेंसन छोड़ रघुकुल खेमे में आ जाए। एकलव्य सिंह को अविनाश सिंह का रागिनी सिंह को समर्थन देना पसंद नहीं था, जिसका नतीजा था कि यह घटना घटी। धमकी देते थे कि आपको जान से मार देंगे। शाम से ही चार गाड़ी से आए, आप डाउन 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 इधर उधर कर रहे थे मोड़ पर। मेरा लड़का की गाड़ी को रोक के थाना के पास, उसका बॉडीगार्ड उतरा चारों गाड़ी से, गाड़ी रोक के यहाँ पर गोली चला, लेकिन नहीं लगा। यहाँ ऐसे हाथ कर लिया, हाथ पर लगा, दिमाग में, यहाँ पर गोली चलाया और गाड़ी रोक के चलाया। एकलव्य सिंह चलाया, क्यों नहीं लिया एक्शन? थाना मिला हुआ है, थाना को जानकारी था, थाना पर सोनू गया बोलने के लिए कि सर कुछ कीजिए, वो लोग हमको मारने आ रहा है, लेकिन थाना कुछ नहीं किया, थाना पर ही सोनू जा रहा था। क्यों मारना चाहते हैं? क्या सोनू कोई काम करे, सोनू कोयला के काम करे, उनकी माँ बार बार बराबर आती हैं कि इनको छोड़ दीजिए, हाँ हमको, मेरे पास रहिए, हमको वोट दीजिए। उनके माँ बराबर मेरे घर में आती है, कितना माँ आदर सम्मान से चाय पिला के मिठाई खिला के हम भेजते हैं, हाँ उनका गोड़ हम लगते हैं कि सास की बराबर है। रागिनी को छोड़ दीजिए, पूर्णिमा को वोट दीजिए, काहे देंगे, हम लोग दुगला हैं, काहे रागिनी को छोड़ेंगे, आपके साथ जाएंगे। आप क्या दे रही है हमको, खर्चा चला रही है। क्या आपका नाम हो सो? मीना सिंह। क्या जब लड़ाई हुआ था 6 महीने पहले लड़ाई हुआ था मोड़ पर, तो पूर्णिमा बोलती थी कि हम फ्री में बेल करा देंगे, केस हुआ है तो मेरे साथ आ जाइए, नहीं मेरा लड़का गया, तब से वो लोग गुस्सा निकल रहा है। रजवाड़ के साथ लड़ाई हुआ था ना, आप लोग को पता है ना, वही लोग खुश खीस निकला, नीरो रजवाज का प्रशासन है, खास करके झरिया में। तो हम प्रशासन पर, फिर भी जिला प्रशासन पर हम आग्रह करेंगे कि इस पर निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि जनता को प्रशासन पर ही उम्मीद रहती है, और इस तरह से घटना होगी तो प्रशासन पर से तो ऐसे ही विश्वास उठ गया है और विश्वास उठ जाएगी। लेकिन हम लोग आग्रह करेंगे, उम्मीद करेंगे और देखते हैं कि आगे क्या कार्रवाई होती है। प्रशासन अगर इस पर जांच करेगी तो अपराधी जल्द से जल्द पकड़ी जाएगी। एक चीज़ और सुनने में आया, देखिए उसमें सोनू सिंह ही था, उसमें एक प्लस एक और भी दो चार लोग थे जो बच गए। उन लोगों को कहना है, बहुत सारे लोगों को, उन लोगों को झरिया में ऐसे लोग आते हैं जो बताते हैं कि झरिया में वही लोग काम करेंगे आज के डेट में जो हमें रंगदारी देंगे। सोनू बहुत ही सक्रिय लड़का था, भाजपा के कार्यकर्ता था, यूनियन से भी जुड़े हुए, भाजपा जनता मधुर संघ से भी जुड़े हुए हैं, हमारे बहुत सक्रिय नेता हैं और बहुत ही
मजबूत लड़का है, मतलब कहने का मतलब कि किसी के डराने और कहने में उड़ाने वाले नहीं लड़का है, जो भी बहुत ईमानदारी से काम करने वाले लड़का है। उसको लगातार टॉर्चर किया जा रहा था कि हमको रंगदारी पहुंचाओ, क्यों करेगा, वो अपना दो पैसा कमा रहा है, अपना डीओ लगा रहा है, चाहे एक नंबर का काम तुम्हारे जैसा काला धंधा कर रहा है। कोयला चारों तरफ झरिया में देखिए तो कोयला, अवैध कोयला हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पास हो रहा है और सत्ता के दबाव में प्रशासन पास करवा रही है, तो उसमें रंगदारी उन्हें नहीं चाहिए। लेकिन जो लोग काम अच्छा कर रहे हैं उसे रंगदारी चाहिए। उनका कहना है कि झरिया में कोई काम करेगा तो हमें रंगदारी चाहिए। तो इसी यही सिलसिला है, यही कारण है। तो सभी लोग उनका तलवा में नीचे, उनका सरकार है, उनका प्रशासन है, तलवे के नीचे रह सकता है, लेकिन आम आदमी तलवे के नीचे रहने वाला नहीं है। ठीक।